और हाँ मुझे पता ही मेरी वीडियो आज नहीं डालनी, मेरी कल नहीं डालनी, बट मेरी जब भी डालेगी मैं वीडियो। कोविड बहुत बढ़ रहा है, लाइक एकदम से अब फिर से उसने बहुत एक्सेलरेट कर लिया है। बच्चों में हो रहा है, बड़ों में हो रहा है, सब में हो रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक बहुत प्रिकॉशंस लेने के बाद भी लोगों को हो रहा है एंड सीवियर केसेस भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई करना। हम सबको पता है, हमने एक साल पूरा इस चीज़ में निकाला है, तो हमने हमें पता है इसकी ज़रूरत नहीं है, बट अपनी सेफ्टी रखना, बट स्टे सेफ। घर में रहने की कोशिश करो, अगर कोई काम नहीं है तो है तो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना काम बंद मत करो, इट्स ओके, बट पूरे सेफ्टी मेजर्स से। अगर घर से काम हो सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं है घर से निकलने की, कोई दुख नहीं है। वैसे भी लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है, आज कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू लग चुका है, हो सकता है सुबह का भी कुछ किया जाए, लेकिन सेफ रहो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वैक्सीन आ चुके हैं, वैक्सीन लग रही हैं, आप अपने घर के बड़ों को सबसे पहले वैक्सीन लगवाओ, बहुत नेसेसरी है, वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। जो जिनकी एज है, जो मम्मी पापा हैं या घर में कोई भी बड़े हैं, सबको सबसे पहले वैक्सीन लगवाओ, दैट इज़ नेसेसरी। मैं भी अपनी मम्मा को लगवाने जाऊँगा, मैं भी उसको आज कल के अंदर अपनी मम्मा को भी लगवा दूंगा। प्लीज़ आप ट्राई करो कि अपने घर को सेफ, अपने खुद को सेफ रखो, बाकी फैमिली में भी सब सेफ रहें और रखो। ओके बाय। हम निकल रहे हैं बस, और मैंने मतलब न्यूज़ पढ़ी थी पहले, तो मुझे पता नहीं था यार, पहले भी अभी तो नहीं अलाउ हो रहा था, बट अब सिंगल पर्सन भी पब्लिकली मतलब अकेले भी गाड़ी में और डोर्स और विंडोज बंद हो उसके बाद भी लाइक मास्क लगाने कंपलसरी कर दिया। सो इस चीज़ का जो भी मतलब ये वीडियो देख रहे दिखाने का लाइक उस पर भी चलाने हैं, अगर आपने वो नहीं लगा रखा, मास्क नहीं लगा रखा, चाहे गाड़ी में अकेले क्यों ना हो। बाकी मैंने शैम्पू कर रखा है आज, तो मेरे बालों की तो हालत खराब हो रखी है। आज 7th अप्रैल हो गई है, शादी 29 अप्रैल की है एंड काफ़ी काम हो गए हैं। मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो भी काफ़ी 15 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, उस टाइम में अपने लिए जो रुके गए जो शॉपिंग थी वो सब करा था। अब ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है, अभी मैं एक साड़ी उठाने जा रहा हूँ मम्मा की, उसका लाइक उस पर कुछ वर्क या ना होता तो उसका वो अभी मैं वो उठाने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे को अपने एक टक्स के लिए जाना है, टक्स ही शॉपिंग करने जाना है क्योंकि मुझे टक्स नहीं मिला, मैं 3-4 बार घूम चुका हूँ, मुझे टक्स मिल नहीं रहा है, तो टक्स नहीं मिल पा रहा है मेरे को, मैं टक्स ढूंढ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को एक्चुअली सिलवाना है, मेरे को कपड़ा और मेरे को डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना सब देख लिया बट वे फिर क्या भाएगा, कौन सा कलर किसके साथ होगा समझ ही नहीं आ रहा, तो आज मैं फिर जाऊँगा मैं चेक करने। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं शॉपिंग के टाइम मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसको कलेक्ट कर जब लेने जाऊँगा, जब मैं फाइनली बुकिंग कर दूँगा और उसके बाद जब मेरी उसको पिक करने की डेट होगी, तब मैं उस चीज़ पे पूरा ब्लॉग बना के एंड देन आई विल पोस्ट, क्योंकि देन आई हैव ऑल मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन उस बारे में, तो मैं वो चीज़ दे सकता हूँ। क्योंकि जब मैं खुद शॉपिंग करने के मैं बहुत लॉस रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं बहुत चूजी हूँ, मैं बहुत मुश्किल से मेरे को कपड़े एक पसंद आते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रानी बाग गया था, तो रानी बाग में मैंने अपना उठा लाया हूँ, मेरे को वो चीज़ पिक भी कर लिया, वो तो सही है एकदम, मैंने इंडो वेस्टर्न करा लिया है, अभी उसकी डेट नहीं आई है, अब जब उसे पिक करना अभी बन रहा है, अभी उन्होंने आई गेस है 9 या 10 के आसपास की डेट है, उसको भी पिक करना है मेरे को बाद में, जब मैं उसको पिक करूँगा तब मैं उस बारे में बताऊँगा। वैसे बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सो है, बहुत अच्छा बनवाया है, मतलब उसके लिए मुझे घूमना नहीं पड़ा। मैंने 2 दुकानें मैं मानो ये नहीं, मैं टक्स के लिए 15 से 20 दुकानें चेक कर चुका, कपड़ा ढूंढ चुका, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे चाहिए कैसा, ऑनलाइन हर जगह देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस फैब्रिक और किस डिज़ाइन का मेरे को चाहिए, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। सेकेंडली उस इंडो वेस्टर्न के लिए जो मुझे शादी पे पहनना है, वो मेरे को दूसरे दुकान में मिल गया एंड वो इतना ज़्यादा अपीलिंग लगा मेरे को, लाइक मेरे को देखते पसंद आ गया था, बट फिर भी फॉर अ सेकेंड थॉट में सोच रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, बट इवेंचुअली मेरे को बहुत अच्छा लग गया एंड मैंने वो चीज़ करा दी, वो हो गया है मेरा। बस अब एक टक्स रहता है जो मेन है, बाकी छोटे मोटी चीज़ होते नहीं है। हाँ, और एक और चीज़ मेजर है
हर तीनों जो भी सारे फंक्शन है उन सबके जो कपड़े लेने उनके नीचे का फुटवेयर बहुत जरूरी है। अभी फुटवेयर का कुछ भी नहीं हुआ है, एक फुटवेयर का देखना है, फुटवेयर से रिलेटेड सब कैसे लगेंगे। और मेरे को सबसे बड़ी फुटवेयर में इशू ये है कि मेरा साइज नहीं जल्दी नहीं मिलता। लाइक मेरा साइज लाइक नॉर्मल से मेरा हल्का फ्लैट फुट सा है तो मेरे को साइज बड़ा आता है, और मेरा साइज इतना फॉर्मल में इतनी जल्दी मिलता नहीं है। और अगर साइज मिलेगा तो मेरे को चॉइसेस नहीं मिलेंगी कि मेरे को जैसा चाहिए, तो मैं हम कभी भी फुटवेयर में अपने चॉइसेस नहीं रख पाता। लाइक मेरा मेरे को साइज आता है 11 11.5, तो उसकी वजह से मेरे को हमेशा अपनी चॉइसेस या तो अपना मन मारना पड़ता है, या तो लक हुआ तो कभी कुछ मिलेगा, ना तो जो है उसमें मेरे को काम चलाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे को एक ब्लैक फॉर्मल शूज लेने, मुझे लोफर्स लेना है इंडो वेस्टर्न के नीचे के लिए, बट मेरे को आइडिया नहीं मिल रहा मैं कैसे लूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक लेने बट विद लेस विदाउट लेस, मतलब ज़्यादा जो हल्के वेलवेट टाइप होते हैं या शाइन कौन से, उससे ज़्यादा करेंगे समझ नहीं आ रहा है। वो भी सोच रहा हूँ और वो भी जल्दी करना है। लाइक अब टाइम नहीं बचा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि खुद आइडिया नहीं मिला कि क्या छूट चुका है, क्या हो चुका है। लाइक लिस्ट है, देख लिया कि क्या क्या हो गया है, बट इवेंचुअली एकदम से कोई चीज़ आ गई कि ये नहीं हुआ है और एकदम से, तो फिर टाइम नहीं बचेगा। तो इसलिए अपना जो जो पता है हमें वो पहले जल्दी जल्दी कराना है, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है। आज 7 है एंड देन उसके बाद 21 से आई गेस फंक्शन शुरू हो जाएंगे। उससे पहले तो मेरे को कैसे भी करके अपना काम करना, उसके बाद ये व्लॉग मुझे एडिट करने की मैं टाइमली उस पीरियड ऑफ टाइम में बार बार मैं डाल सकूं। एंड सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होता है मुझे क्या आ रही है, मैं एडिटिंग से मेरे को 5-6, अब मेरे को काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया, तो वीडियो अपलोड करने में रिकॉर्ड करने में कोई इशू नहीं आया मेरे को। तो मेरे को हाँ वो थोड़ी क्रिएटिवनेस अभी मेरी एट अ टाइम कम हो रखी है, इसलिए मैं बहुत बिजी भी हूँ, तो वो क्रिएटिवनेस में इतना ज़्यादा मेरा अटेंशन जा नहीं पा रहा। जब सही टाइम आएगा तब मैं क्रिएटिवनेस में सही से घुसूँगा, दिस दैट वो चलो वो डिफरेंट है। बट एडिटिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लाइक टाइम बहुत लग रहा है मेरे से, वो लाइक पेशेंस लेवल मेरा थोड़ा ख़त्म हो रखा है एडिटिंग में, जितना पेशेंस लेवल चाहिए। क्योंकि जितना मैंने 1-1.5 साल की एडिटिंग में अपने आप को देखा है, 2 साल की एडिटिंग में पेशेंस लेवल बहुत 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 ज़्यादा चाहिए। बिना तुम शांति से तुम एडिटिंग नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुम अपनी जो तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो उसके अंदर अगर तुम खुद सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो वो चीज़ किसी को पसंद नहीं आएगी। तो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए कि क्या चीज़ सही है डालना, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ समझ आएगी, क्या चीज़ नहीं समझ आएगी, क्या चीज़ समझाने के लिए मेरे को कितना पार्ट उसका डालना पड़ेगा कि वो चीज़ समझ आए। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वीडियोज़ लंबी लंबी बने। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जैसी ये वीडियो है, मुझे फील होता है कि ये वीडियो मेरी बहुत लंबी बन जाएगी द वे आई एम टॉकिंग, बट इसमें से भी अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस चीज़ को काटूँ, या मैं इसको 2 तरीके के व्लॉग में अपलोड करूँ। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि मैं इसको कट करके 2 व्लॉग्स में डालूँ, बट अब मैं वही 17-18 मिनट की वीडियो डाल दूंगा तो वो ऑब्वियस किसी को पसंद नहीं आएगी। सो बस बात ये, और मेरी एडिटिंग मेरे को तेज करनी पड़ेगी। जब वे मेरे पास वर्कलोड आता जा रहा है, अगर मैं व्लॉग्स एडिट रिकॉर्ड करता रहूँगा और एडिटिंग करूँगा, वर्कलोड बढ़ता रहेगा। अभी यू वोंट इमेजिन, एक मैं एडिटिंग मेरी बीच में अटकी हुई है, मैं व्लॉग एक एडिट कर रहा हूँ, मैंने जैन में शूट किया था और उसके बाद मैंने अभी तक लैपटॉप नहीं छुआ, मैं पता नहीं कौन से रेस्ट मोड में चला गया, मैंने एडिट नहीं की। सो इवेंचुअली मुझे अब वो एडिट करनी है, एडिट करने के बाद वो अभी रुकी हुई है, जब तक वो एडिट नहीं होगी तो ये सारी वीडियोज़ की एडिटिंग नहीं शुरू होगी, क्योंकि मुझे वो अब आधी बनी हुई है, तो अब उसमें आधी मेहनत करने के बाद मुझे वो ख़राब नहीं करना, तो मैं एडिट तो उसको करूँगा, लेकिन वो अटकी हुई है उसमें भी ये दिक्कत है, तो उसको मैं ठीक करूँगा पहले उसको। अब कैसे भी करके वर्कलोड इतना बढ़ता जा रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी पूरी वीडियोज़ ठीक से टाइमली बनेगी नहीं बनेगी। तो आज से मैंने सोचा है कि मैं कुछ भी होगा, अपने जितना टाइम लगेगा रात को करके ही ख़त्म करूँगा, आज कुछ भी हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो बाय। बाकी तो देखा सब बढ़िया, अच्छी चीज़ होने वाली है घर में, तो उसका तो अलग ही फन है। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय। और मुझे 2 मच्छर है, काफ़ी तंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं।